और चलिए इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों ने इस्तीफा दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दिया है। रीति पाठक, अरुण साव ने भी इस्तीफा दिया है। राकेश सिंह, उदय प्रताप ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों ने यहां पर इस्तीफा दिया है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मधुरेंद्र जुड़ गए। मधुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस्तीफे को लेकर? तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े चेहरों ने इस्तीफा दिया है। मधुरेंद्र, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका खासतौर पर विधानसभा चुनाव में निभाई थी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें। तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे मध्य प्रदेश के कोटे से आते हैं। जिसमें मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ये सभी ने इस्तीफा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ से अगर देखिए तो अरुण शौ और गोमती साई, दो लोगों का इस्तीफा जो है वो लोकसभा स्पीकर के पास किया है। और राजस्थान से राज्यवर्धन राठौर, रिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीना, इन तीनों सांसदों का इस्तीफा जो है वो भेजा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बड़े चेहरे खासतौर पे जो कि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से थे, और इन लोगों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था, विधानसभा चुनाव का मैदान में उतारा था, और उसके बाद ये इस्तीफा दिया जा रहा है। जो नियम है उसके मुताबिक समझिए कि 14 दिनों के भीतर जो है उन्हें क्लेरिफाई करना होता है कि वो किस हाउस में रिटेन करेंगे, और उसके मुताबिक इस्तीफा देना होता है। तो ये क्लैरिटी सामने आई है, ये सांसद जो है वो राज्यसभा और लोकसभा को छोड़कर विधानसभा की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां से उन्होंने चुनाव जीता है। बिल्कुल मधुरेंद्र, और जिस तरीके से कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई बीजेपी की, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, जो उच्च नेतृत्व है, वो शामिल हुआ था। और अब सीएम फेस को लेकर भी जो सस्पेंस है वो हालांकि बरकरार है। अगर मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कब तक संभव है कि सीएम फेस को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा? प्रवक्ता के नाम का ऐलान हो जाएगा, फिर प्रवक्ता अपने अपने राज्यों में जाएंगे और वहां पर जो संसदीय दल की बैठक है उस बैठक में शिरकत करेंगे, और उसके बाद नाम निकलकर सामने आएगा जैसे कि परंपरा है और जैसे कि पार्टी का जो एक फॉर्मेट बना हुआ है। कल बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो लगभग 2 घंटे तक 1-to-1 बैठक में रिपोर्ट उन्होंने दिया प्रधानमंत्री को। उसके बाद खुद गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, फिर बैठक और आगे बढ़ी। तो ये तकरीबन कल तय हो चुके हैं कि नाम कौन है, और उन नामों के साथ जो है वो पार्टी का एक रिस्पॉन्स जो होता है राज्यों में जाकर लेने का काम प्रवक्ता करते हैं। तो वो काम हमको लगता है कि कल पूरा कर लिया जाएगा, आज प्रवक्ताओं के नाम सामने आ जाएंगे। इस बीच हम देख रहे हैं कि इस्तीफे की कवायद शुरू हो गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। मधुरेंद्र, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर की भी मुलाकात हुई यहां पर अमित शाह से, इसके अलावा जेपी नड्डा से भी मिले, क्या एक सवाल ये भी उठता है मधुरेंद्र, कि क्या सीएम की रेस यहां पर मुश्किल देखी जा रही है? क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा, तो क्या सीएम की रेस इस वक्त मुश्किल है और चुनना मुश्किल हो रहा है उच्च नेतृत्व के लिए? देखिए, जाहिर तौर पे जो पार्टी आला कमान है वो चाहता है कि कुछ नए चेहरों के साथ जो है राज्यों की बागडोर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर बात हम मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान की कहें तो लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस उनका जो है वो भी आउटस्टैंडिंग है, लिहाजा उनको दरकिनार भी आप नहीं कर सकते। तो ये तो चुनौती है ही कि कैसे जो है नया नेतृत्व दिया जाए और कैसे पुराने नेतृत्व को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो अपने आप कह सकते हैं चुनौती तो जरूर होगी, क्योंकि कंटेंडर कई हैं, दावेदार कई हैं, और ऐसे में देखना होगा कि क्या फैसला जो है वो लिया जाता है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जो इस वक्त इस्तीफे की कवायद में बतलाती है कि भले ही केंद्रीय मंत्रियों ने या फिर लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने बड़ी भूमिका जीत में निभाई हो, लेकिन उसके बाद उनकी केंद्र में वापसी नहीं हो रही है, राज्यों की तरफ वापसी हो रही है, उसमें से कई मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, और देखते हैं कि इसका पदक्षेप कैसे होता है। बिल्कुल, और मधुरेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी होगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उस चेहरे को रखा जाएगा? बिल्कुल वाजी बात आपने कही कि चूंकि अब 2024 का टारगेट है, और ऐसे में जो जातीय समीकरण है और जो इस तरह से हम सामुदायिक व्यवस्था में देखते हैं कि किसका नेतृत्व कितना वोट बैंक को रिफ्लेक्ट करता है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, वो अपने आप में जो है एक बड़ा चैलेंज है। तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से जो है वो
इस पूरे सेटअप को बनाया जाए ताकि जो वोट बैंक को साधना है वो आसान हो सके और 2024 में नेतृत्व ऐसा हो जो कि राज्यों से ऐसा ही वोट पुल करके जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो ये सारे गणित और सारे समीकरण जो है वो अपनी जगह पर जरूर है। बिल्कुल, और जिस तरीके से भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया था, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन लाडली बहना का पूरा श्रेय तमाम नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक बढ़त तो जरूर बनाए हुए हैं इस रेस में। देखिए बिल्कुल, ये तो वाजिब तौर पर जो है उनका एक परफॉर्मेंस और उनका अपना एक हम कहें कि आउटस्टैंडिंग जो है वो पूरे चुनाव अभियान के दौरान जो है काम साफ तौर पर दिखता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो अपनी जगह रिमार्केबल है और उसको नजरअंदाज नहीं कह सकता। तो पार्टी उनको कैसे सम्मानित करेंगी, उसी पद पर आगे बनाए रखेगी या उससे बड़ा कुछ व्यवस्था में उनके लिए जगह है, ये अपने आप में कह सकते हैं कि अक्ष प्रश्न है। लेकिन इसका जवाब तो पार्टी को ही देना होगा और जाहिर तौर पर उसका जवाब पार्टी ने खोज रखा है जो समय के साथ रिलीज किया जाएगा। बिल्कुल, और मधुरेंद्र, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, प्रहलाद पटेल की बात कर ले, तो क्या ये मंत्री बने रहेंगे या फिर मंत्री पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? देखिए जाहिर है उनका इस्तीफा अपने आप में मंत्री पद से भी इस्तीफा होगा क्योंकि तो विधानसभा की सुरक्षा के साथ तो केंद्र में मंत्रिमंडल में बने नहीं रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्लियर है कि इनकी कंटिन्यूटी जो है वो कायम नहीं रहेगी, इसलिए वो लोकसभा और राज्यसभाओं से जो सांसद के तौर पर मंत्री के तौर पर जो है इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का की बात मैं करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में कई नाम हैं रेस में, चाहे हम अरुण साव की बात कर लें, विष्णुदेव साय की बात कर लें, रेणुका सिंह या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद, तो ऐसे में वहां पर कितना मुश्किल है मुख्यमंत्री का चेहरा चयन करना? देखिए पार्टी के लिए चेहरा चयन करना मुश्किल नहीं है, दरअसल मुश्किल इस बात को लेकर है कि किस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ा जाए क्योंकि 2024 के चुनाव भी सामने हैं। तो इस लिहाज से इन चीजों को देखा जाना चाहिए कि किस तरह से पार्टी जो है वो दरअसल एकोमोडेट करती है और किस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि अब तैयारी 2024 की है, फोकस उस पर है और काम उसके लिहाज से किया जा रहा है। तो उन समीकरणों के हिसाब से जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस तरह के समीकरणों को साधा जा रहा है। बिल्कुल, और मधुरेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी एक्टिव भी हो चुकी है। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां पर क्योंकि छिंदवाड़ा ही मात्र एक ऐसी सीट है मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के पास है, नकुलनाथ है वहां से सांसद, और इसलिए फोकस छिंदवाड़ा पे भी यहां पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस लिहाज से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी कवायद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर जो सेटबैक है कांग्रेस का वो काफी बड़ा है और उस सेटबैक से निकल पाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल है। जी, और जिस तरीके से मधुरेंद्र हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। फिलहाल अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, चूंकि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद पर्यवेक्षकों के नाम आज शाम तक कहा जा रहा है कि तय हो जाएंगे, कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है, कई बड़े चेहरे रिति पाठक हो गए, इसके अलावा और भी कई चेहरे, 7 सांसदों ने इस्तीफा दिया है एमपी छत्तीसगढ़ मिला के। चलिए अतुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, अतुल से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इस्तीफा देने वाले सभी सांसद, और यहां पर उन्होंने मुलाकात भी की है नरेंद्र सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने भी इस्तीफा दिया। इसके अलावा अरुण साव, रिद्धि पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप ने भी इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले सभी सांसद विधायक बने हैं और इसीलिए एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। यहां पे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा, और कल एक बड़ी बैठक हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जिसमें पीएम मोदी खुद मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, इसके अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे थे बीजेपी के, अमित शाह की भी मौजूदगी थी, और मंथन किया गया कि आखिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है अगला। चलिए अतुल शर्मा जुड़ गए एक बार फिर से। अतुल, चूंकि कल एक बड़ी बैठक हुई, पर्यवेक्षक का भी ऐलान आज शाम तक संभव बताया जा रहा है, क्या माना जाए कब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला हो जाएगा? और चूंकि मुख्यमंत्री की रेस में इस बार कई लोग हैं, ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी सोच समझकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला लेना होगा।
देखिए बिल्कुल, इस बार कई चेहरे हैं जो मध्यप्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही आ रही है हमारे पास कि जो सांसद चुनाव लड़े थे मध्यप्रदेश से, जिसमें प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, इन तमाम लोगों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ एक बार फिर सियासी समामासान शुरू होते हुए दिखाई दिया है। देखिये सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो मध्यप्रदेश के अंदर बीजेपी की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द सीएम फेस स्पष्ट हो, क्लियर कर दी जाए, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम लगातार कह भी रहे थे कि मध्यप्रदेश के अंदर कई चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार भी हैं, उम्मीदवार हैं, केंद्र में आलाकमान जो नामों के ऊपर चर्चा कर रही है, इसमें खासतौर पर हम प्रहलाद पटेल का नाम ले रहे थे। हालांकि लेकिन प्रहलाद पटेल के साथ साथ तमाम वो नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करें, रीति पाठक की हम बात करें, राकेश सिंह की हम बात करें, तमाम वो चेहरे जो कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश से चुनाव लड़े और ये तमाम चुनाव जो है जीते, वो उन लोगों ने सांसद पद से जब इस्तीफा दिया तो एक बार अटकलें ये चालू हो चुकी है, तमाम ये लोग हैं ये दावेदारी दिल्ली में कहीं ना कहीं इस्तीफे के साथ पेश कर रहे हैं। बहरहाल देखिए पर्यवेक्षक की तरफ से अभी तमाम जो कोशिश है वो आगे सामने निकलती हुई दिखाई देंगी। ये कोशिश की जाएगी पर्यवेक्षक की तरफ से कि मध्यप्रदेश के तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, उनसे चर्चा की जाए, उनसे संवाद स्थापित किया जाए, उनका मन टटोला जाए, खासतौर पर इस बात को लेकर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आखिर मध्यप्रदेश में तमाम जो बीजेपी के जो विधायक जीते विधायक है वो किस चेहरे को पसंद कर रहे हैं, इसको लेकर आप हालांकि देखिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार सरगर्मियां तेज चल रही हैं और आयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज शाम होते होते यानी कि आज शाम से लेकर कल सुबह तक अगले 24 घंटे के अंदर मध्यप्रदेश के अंदर सीएम का फेस कौन होगा, आला कमान इसको स्पष्ट करते हुए दिखाई देगी। बहरहाल लेकिन ये बड़ी खबर इस समय जरूर सबसे पहले न्यूज स्टेट पे हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो विधायक जो सांसद हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा मध्यप्रदेश से बीजेपी विधायक के लिए, उन तमाम जो सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब जब सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए इस देश में हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े 5 नाम हम सामने निकल के दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरे नंबर पर हम देखें तो प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जिसके ऊपर रायशुमारी तय की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है इसमें से एक नाम सामने निकल के आए। हालांकि पूरी तरीके से जो गेंद है वो इस समय दिल्ली आला कमान पे है, तमाम नीति रीति और तमाम जो मंथन के बाद एक नाम सामने निकल के आएगा उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश में माहौल लगती हुई दिखाई देगी। देखिए सबसे खास तौर पर बात यह है जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कहती है कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सर्व सहमति से होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक एक बीच का सेतु का काम इस समय दिल्ली और भोपाल मध्यप्रदेश के बीच में कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे जा रही है कि इन तमाम में से जब एक मंथन किया जाए तो उसमें अमृत जो निकल के आए वो दिल्ली तक पहुंचाया जाए, यानी कि कोई सिंगल नाम वहां तक पहुंचाया जाए और दिल्ली उन नामों के ऊपर चर्चा करने के बाद सहमति दे। जी बिल्कुल अतुल, पर्यवेक्षक कौन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, हर क्षेत्र में पर्यवेक्षक जाएंगे, वहां पर विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला लिया जाएगा। पर्यवेक्षक के नाम में कौन कौन नाम है जो अभी शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए ये कहना अभी काफी, अभी हम शुरुआती दौर पर ये बता सकते हैं कि ये कौन पर्यवेक्षक होंगे, क्योंकि देखिए ये कोशिश यही की जाएगी जो तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली के यानी कि अमित शाह और तमाम जो रणनीतिकार दिल्ली में जो बीजेपी की जो है रणनीति तय करते हैं वो अपने भरोसेमंद जो नेता है उनको ही पर्यवेक्षक की बागडोर सौंपेंगे और कई ऐसे नाम है जिनका जिक्र अभी जो है नाम लगभग चल रहा है लेकिन स्थिति बिल्कुल स्पष्ट सामने निकल के नहीं आ रही कि आखिर वो कौन नाम हो सकता है। लेकिन ये जरूर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ से जल्दी ही वो पर्यवेक्षकों की जो नाम है वो सामने निकल के आ जाएगा। लगभग ये मान के चल रहे हैं कि अलग अलग जिलों के हिसाब से नाम जो तय किए जाएंगे, हालांकि सेंट्रल मध्यप्रदेश स्तर पर 3 से 4 लोग होंगे जिनको जो एक रायशुमारी तय करेंगे और वो रायशुमारी के बाद तमाम जो मंथन हुआ है, तमाम जो चर्चा हुई है वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक जाते हुए जो है दिखाई देंगे। लेकिन देखिए इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि मध्यप्रदेश में इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, जो नाम जो तय किए जाना है वो काफी अहम होंगे क्योंकि 2024 के जो चुनाव है उसमें जो भी मध्यप्रदेश का चेहरा बनेगा यानी कि जिसके आसार पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा वो 2024 के लिए काफी अहम रोल में होगा और बीजेपी की कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। पिछली बार जो एक लोकसभा सीट बीजेपी के पास नहीं आई थी यानी कि 29 में से 28 सीट बीजेपी के पास थी, एक सीट जो नहीं आई थी वो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा पे भी इस बार बीजेपी के पास आ जाए तो कहीं ना कहीं वो चेहरा जो सामने निकल के आएगा वो तमाम वर्गों को साधने के चलने वाला होगा और खास तौर पे दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक तालमेल बिठा के चले तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे जो नेता हैं जिनके साथ जो ट्यूनिंग या तालमेल बेहतर होगा उन नाम कहीं ना कहीं सामने निकल के आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो समय भूमिका रहेगी वो पर्यवेक्षक की होगी और
थोड़े समय बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मध्यप्रदेश के अंदर कौन पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं और कौन जो आगे की जो रीति नीति और जो तय है रणनीति वो तय करेंगे। जी बिल्कुल अतुल, और जिस तरीके से भले ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है और जनता ने भी शिवराज सिंह चौहान को बहुत ही प्यार दिया, भारी मतों से वो अपनी सीट से जीते भी। एक बेनिफिट तो शिवराज सिंह चौहान के पास है यहां पर बाकियों के मुकाबले। देखिए निश्चित तौर पे ये एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की सियासत का, और जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। हमने देखा कि किस तरीके से चुनावी सभा में सबसे ज्यादा जो सभाएं रही वो शिवराज सिंह चौहान ने करी, 160 सभा के करीब मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा अलग अलग संभागों में उन्होंने करी। इसके साथ में अगर हम देखें कि जमीनी स्तर पर जमीनी पकड़ वाला सबसे मजबूत अगर कोई चेहरा मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के पास अगर कोई है इस समय तो शिवराज सिंह चौहान ही होगा, उसका सीधे तौर पर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई भी देगा। हालांकि देखिए अगर ये तमाम हमने देखा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जब जब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे या बड़ी सभा जब संबोधित करते रहे तो जो एक बड़ा जन सैलाब सामने निकल के आया शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, तो इस बात को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तारीफ कर चुके हैं, अमित शाह कई बार शिवराज सिंह चौहान की पीठ थपथपा चुके हैं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आम जनता से जुड़ा हुआ चेहरा जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से ही होगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव पहले की अगर रणनीति, अतुल मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, मैं वापस आती हूँ आपके पास। दिल्ली से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से कल बड़ी बैठक हुई, मंथन किया गया, लंबा मंथन चला, करीब 3 से 4 घंटे की यह बैठक हुई, और अब ये बड़ी खबर कि तमाम सांसद जो बड़े बड़े सांसद थे एमपी छत्तीसगढ़ के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब चूंकि मुख्यमंत्री का नाम जल्द से जल्द फाइनल करना है, पर्यवेक्षकों का नाम पहले फाइनल होगा, कब तक माना जाए कि पर्यवेक्षक के नाम फाइनल हो जाएंगे? विकास आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो 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 हेलो, ये आपकी आवाज धीमे आ रही है, जरा उधर से बढ़ाइए ऑडियो। चलिए विकास, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से कल मंथन हुआ, कल बड़ी बैठक हुई, अब जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना है और जरूरी भी है ताकि जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो छट जाए, वो बादल छट जाए। मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका पर्यवेक्षक की होगी, पर्यवेक्षक के नाम कब तक फाइनल हो पाएंगे? चलिए विकास तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतुल मैं आप ही का रुख करती हूं। जैसा कि आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रबल दावेदार हैं और चाहे बहनों का प्यार हो, आदिवासियों का प्यार हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिला है। एक एज पर जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं, लेकिन हम बाकियों को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आ रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर, ये बहुत बड़े चेहरे हैं बीजेपी के लिहाज से। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी के ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश और दिल्ली तक अपना लोहा सियासत का मनवा चुके हैं, जिसमें हमने कैलाश विजयवर्गीय को देखा और नरेंद्र सिंह तोमर को हमने देखा, प्रहलाद पटेल को देखा। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नेतृत्व दिल्ली में करते हुए दिखाई दिए। खासतौर पर अगर हम देखिए बारी बारी से अगर हम जिक्र करें, सबसे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से बीजेपी के रणनीतिकारों में उनकी गिनती रहती है। समय समय पर उन्होंने कई प्रदेशों का चुनाव के समय प्रभार भी उनको मिला, कई प्रदेशों में उन्होंने चुनाव भी करवाए। इसके साथ में अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो जमीनी स्तर में काफी मजबूत है, क्षेत्रीय नेता के हिसाब से अगर हम देखें तमाम लोगों को तालमेल बिठा के वो चलते हैं। अब हम नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो जब जब मध्यप्रदेश के बीजेपी पे कोई भी संकट के बादल छाए हैं तो प्रमुख रूप से नरेंद्र सिंह तोमर सामने निकल के आए हैं। एक वो चेहरा है जो इनको संकट मोचक के रूप में हमने अधिकांश मध्यप्रदेश के अंदर देखा है, और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी काफी प्रबल तरीके से जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए चल रहा है। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की खास बात यही है कि उन्हें रणनीति में एक विशेषज्ञ माना जाता है और कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल बाकी भी काफी बड़े नाम है। मैं लौटती हूँ आपके पास इस वक्त, मैं सीधे न्यूज रूम का रुख करना चाहूंगी जहां पर मेरी सहयोगी प्रगति जुड़ी हुई है। प्रगति, चूंकि अब मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करना पहली प्राथमिकता होगी यहां पर बीजेपी की, पर्यवेक्षकों के नाम कहा जा रहा है कि शाम तक तय कर लिए जाएंगे, उसके बाद जल्द से जल्द जो सीएम का चेहरा है वो सामने आ जाएगा। बहुत से लोग रेस में हैं, लेकिन
कितना प्रबल दावेदार आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनाले कई नाम सामने आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई है, इसके अलावा वीडी शर्मा पहुंचे थे दिल्ली, उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा देखिए प्रहलाद पटेल भी पहुंचे थे, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जो जीत दर्ज कर चुके 7 सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, आगे क्या कुछ स्पष्ट होगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में वो वहां पर मैदान में उतरते हैं कि नहीं देखने वाली बात रहेगी। ऐसे में अभी से अपने पद को छोड़ना कहीं ना कहीं देखिए इसमें एक इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आगे पैसों का दुरुपयोग ना हो उसको देखते हुए भी शायद ये निर्णय लिया गया हो। आगे फिर वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। अभी फिलहाल जो बड़ी खबर मिल रही है वो यही है कि सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से, उसके बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। सीएम का प्रबल दावेदार, सीएम फेस प्रबल दावेदारों में कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि कौन होगा सीएम ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इसमें सबसे आगे नाम जो चल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। इसके अलावा देखिए आप कैलाश विजयवर्गीय के बाद अगर हम बात करें तो कई लोगों की मुलाकात हुई है। प्रहलाद पटेल जो फग्गन कुलस्ते हैं जो हार गए थे निवास सीट से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसके अलावा गणेश सिंह वो हार गए थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके अलावा जो भी सब जीत दर्ज कर चुके हैं उन सभी ने इस्तीफा दे दिया है। इसको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं रणनीति बनाती हुई बीजेपी आगे चल रही है। क्योंकि देखिए 2023 चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, 2024 को फाइनल की तरह, और ऐसे में अभी तक एक स्ट्रैटेजिक मूव बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है और उसी के तहत शायद ये रणनीति तैयार की गई है। बिल्कुल प्रगति, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और इसके मद्देनजर जरूरी भी यही है कि बीजेपी को अब स्ट्रेटजी के तहत काम करना है। जो एक सीट छिंदवाड़ा सीट है वहां पर भी देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंच रहे हैं। जो कांग्रेस के पास वो सीट है वहां पर चूंकि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ और बीजेपी की अच्छी बात यही है कि तुरंत ही हार की समीक्षा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी में हमेशा देखा गया है कि इंतजार नहीं किया जाता है कि आगे चलकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी हमने देखा कि चुनाव के नतीजे सामने आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंच गए ये देखने के लिए कि जो 7 सीटें हारी गई है वहां कमी क्या रह गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहा गया है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी के कब्जे में होंगी, ऐसे में जो एक सीट जहां से सांसद है नकुलनाथ उसे कैसे कब्जे में किया जाए इसको देखते हुए अब बीजेपी अभी से रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। अब बैठक जो हुई 4 घंटे तक बैठक चली है, मंथन हुआ है कि सीएम फेस कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए। ऐसे में तमाम दिग्गज जो शुरू से ही विधानसभा चुनाव की कमान संभालते हुए नजर आ रहे थे, मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका दिल्ली पहुंचना, मुलाकात होनी और उसके बाद ये निर्णय लेना, फिर ये बड़ा जो फैसला है वो निकलकर सामने आ रहा है जहां से इस्तीफा दे दिया गया है। अब इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो सुनाली यही निकलकर सामने आ रही है कि सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा क्यों दिया गया है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस्तीफा दिया गया है, ये रणनीति क्यों तैयार की जा रही है ये समझने वाली बात है। लेकिन हाँ ये आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल कि शुरू हो गई है बीजेपी आगे की रणनीति बनाती हुई अभी से दिखाई दे रही है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करती और रिस्क ना लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रगति, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ अतुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, चूंकि 2024 चुनाव नजदीक और ऐसे में बीजेपी की कोशिश, बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि 29 सीट बीजेपी अपने खाते में लाए, पूरी की पूरी सीट वहां पर खाते में लाए। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी से ही लगे हुए हैं, छिंदवाड़ा वो जा रहे हैं जहां पर तमाम जो सीटें हैं जहां पर हार हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। देखिए शिवानी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीजेपी अपने एक तय रणनीति और एक लाइन के तहत चलती है और केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेके कुछ वो लोकसभाएं जो लंबे समय से उनके हाथ में नहीं है या बीजेपी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उसको आकांक्षी लोकसभा के लिस्ट में रखा है, यानी कि वो लोकसभा जिसके ऊपर बीजेपी ज्यादा फोकस करेगी। तो मध्यप्रदेश की एक सीट वो भी है जो छिंदवाड़ा है जो आकांक्षी लोकसभा की श्रेणी में है। और सीधे तौर पर अमित शाह इस बात को लेकर कई बार जब मध्यप्रदेश के दौरे पर रहे कई बार वो कह चुके हैं कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होगा तो बीजेपी का सबसे ज्यादा
फोकस अगर किसी लोकसभा पे होगा तो वो छिंदवाड़ा होगी, क्योंकि देखिए कमलनाथ का गढ़ है और लंबे समय से बीजेपी कमलनाथ का जो गढ़ है उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से हमने पिछले लोकसभा चुनाव देखे, 29 लोकसभा है मध्यप्रदेश में जिसमें से 28 यानी एक बड़ा आंकड़ा मध्यप्रदेश से बीजेपी को मिला था, एक बड़ी जो 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। और ऐसे में अब जब एक बार फिर से मध्यप्रदेश कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव के दहलीज पे आके खड़ा होगा तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा में छिंदवाड़ा के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको बूस्टअप किया जाए, उस खास तौर पे जमीनी स्तर पे ये मैसेज पहुंचाया जाए कि छिंदवाड़ा में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया है। हालांकि देखिए तमाम आरोप लंबे समय से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगाते रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, समीक्षा करेंगे, समीक्षा के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया गया हर बूथ मोदी, तो कहीं ना कहीं खास तौर पे ये जो ऐसी लोकसभा है जो लंबे समय से कांग्रेस के पाले में रही है वैसे उस उन बूथ पे ज्यादा तरीके से फोकस किया जाएगा। देखिए पन्ना प्रभारी से लेकर तमाम बूथ स्तर तक हम देखते हैं बीजेपी अपनी रणनीति तय करती है और जिस तरीके से पूरा एक प्लान के तहत काम करती है वो छिंदवाड़ा में भी हमें देखने को मिला। बालकनाथ और रेणुका सिंह दोनों इस आज मौजूद नहीं थे दिल्ली में, इसलिए इन दो लोगों का इस्तीफा नहीं हुआ है। ये दो लोग भी अपना इस्तीफा दे देंगे। और जो तीन केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह, इन थोड़ी देर में ये लोग मंत्रिमंडल से भी अपना इस्तीफा सौंप देंगे और दे देंगे, यानी ये साफ हो गया कि अब ये लोग विधानसभा में ही जाएंगे। तो अब ये एक बड़ी कहानी की ओर इशारा करता है, क्योंकि पार्टी की तरफ से एक संकेत के तौर पे कहा गया था कि मुख्यमंत्री वही होगा जो विधायक होगा। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री वही होगा जो विधायक होगा, और इसीलिए तमाम जो सांसद थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। राकेश सिंह, उदय प्रताप ये बड़े नाम है, गोमती साय ने भी इस्तीफा दिया है, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस्तीफा दिया है। आकर्षित करने के लिए मतदाताओं को अपनी रणनीति अपनाई थी और हर समाज को यह संदेश दिया था कि अगर ये जीत गए तो वो आपका व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, तो ये बीजेपी की रणनीति रही है। और आज देखे जब सभी सांसद लगभग 10 सांसदों ने आज इस्तीफा दे दिया और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे देंगे थोड़ी देर में, तो अब ये कयास और भी तेज हो गए हैं कि इसमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखें मोदी हमेशा चौंकाने वाला फैसला ही करते रहे हैं आज तक। जब भी आप देखें कि नाम चलता है और उसके बाद उलट बिल्कुल नाम चला आता है, झारखंड में हम लोगों ने देखा, हरियाणा में देखा, उत्तराखंड में देखा, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे उसके बावजूद वो उनके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब ये तो बिल्कुल देखिए इस्तीफा देने वाले सभी सांसद यहां पर मौजूद और एमपी छत्तीसगढ़ के 7 सांसदों ने करीब इस्तीफा दिया है। बड़े बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रिति पाठक छत्तीसगढ़ से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, इसके अलावा राकेश सिंह जो कि सांसद हैं, उदय प्रताप ने भी इस्तीफा दिया है, गोमती साई ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये तमाम बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब रायपुर में रुक करना चाहूंगी अंकुश का। अंकुश, अरुण साव ने भी यहां पर इस्तीफा दिया है, किस तरीके से इसे देखा जाए आने वाले स्ट्रेटजी के मद्देनजर? बीजेपी जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है, कल बड़ी बैठक हुई और अब अरुण साव ने आज इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सांसद पद से इस्तीफा दिया है उसके बाद से जिस तरीके से कयासों का बाजार गर्म है कि छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अरुण साव जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर रेणुका सिंह का नाम जो है वो भी सीएम की रेस में लगातार सामने आता रहा है। तो ऐसे में अब जब दोनों ही सांसदों के जब इस्तीफा हो गया, गोमती साय जो है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, तो ये तीन सांसदों के जो इस्तीफे के बाद अब तस्वीर जो है वो एक बार और फिर से उलझ कर रह गई है कि आखिर अब इन तीनों में से कोई मुख्यमंत्री होगा या फिर पार्टी किसी और नेता पर दांव खेलते हुए दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में अगर नामों की अगर बात करें तो 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो लगातार तेजी से चर्चाओं में बने हुए हैं कि अगले मुख्यमंत्री जो है उनके 6 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। 6 नामों की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री की अगर बात करें तो रेणुका सिंह का नाम इस रेस में शामिल है, क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से आती हैं और महिला
मुख्यमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री बनाकर देश में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा सकती है। तीसरे नाम की अगर बात करें तो अरुण साव जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल से सत्ता पक्ष में आई है और बड़ा बहुमत जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो अरुण